पिछले 23 सालों से शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर नौकरी करने वाले फरार शिक्षक को नानकमता पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस की गिरफ्त में आए इनामी समरपाल के खिलाफ शिक्षा विभाग में पिछले 23 सालों से फर्जी शैक्षिक दस्तावेजों के सहारे सहायक अध्यापक की नौकरी करने के आरोप में उपखंड शिक्षा अधिकारी सुषमा गौरव द्वारा नानकमता थाने में 24 मई 2020 को मुकदमा दर्ज कराया गया था। तभी से आरोपी शिक्षक फरार चल रहा था, जिस पर लगातार फरार होने के चलते एसएसपी उधम सिंह नगर द्वारा आरोपी शिक्षक पर 2500 का इनाम भी घोषित कर दिया गया था। पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर महोदय द्वारा इनामी और वांछितों के लिए अभियान चलाया गया है। नानकमता थाने के जितने इनामी और वांछित थे उनको पकड़ने के लिए टीम गठित की गई थी और हमारी टीम द्वारा कल जसपुर क्षेत्र से समरपाल सिंह पुत्र जब्बर सिंह जो हमारे नानकमत्ता थाने में पंजीकृत FIR नंबर 132/2020 में वांछित चल रहा था और ये पेशे से टीचर था। इसने फर्जी कागजातों के आधार पर टीचर की नौकरी प्राप्त की थी। लगभग 23 साल नौकरी करने के बाद ये जांच के आधार पर दोषी पाया गया और बर्खास्त हो गया सेवा से और यहाँ से भाग करके अपने गांव अमरोहा चले गया था और वहाँ हमने पहले पुलिस टीम भेजी थी तो गांव से पुलिस की भनक लगने पर ये भाग गया था। कल रात इसको गिरफ्तार कर लिया है। इस पर 2500 रुपये का इनाम था और इसको अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन